विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी सफलतापूर्वक एसएमएस अस्पताल में हो गई है, उनकी सेहत में अब सुधार है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर एमकेएन संवाददाता गौरव गुप्ता से खास बातचीत भी की। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा डॉक्टर भंडारी ने। डॉक्टर सुधीर भंडारी, हम इनसे बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर। सर, अब कैसा स्वास्थ्य है और क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उनकी बहुत सक्सेसफुल एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग हो गया है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। सर, कब तक उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, कब तक वो घर जा सकते? बेसिकली वो बिल्कुल नॉर्मल और एसिम्प्टोमेटिक है, बट एक प्रोटोकॉल ये होता है, स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी के बाद हम 6 से 12 घंटे उनको हॉस्पिटल में रखते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ एक स्पेशल बात यह है कि उनके चाहने वाले और वेलविशर्स इतने हैं कि उनको एडवाइस दी गई है कि सर आप एक आध दिन यहाँ और एक्स्ट्रा रेस्ट करें। ऑल्दो उनको मेडिकली रेस्ट करने की, हॉस्पिटल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो बेटर रहेगा बिकॉज उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग मिलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सर, एक विशेषता देखने में आई कि मुख्यमंत्री जी एक आम नागरिक की तरह आए और उस उन्होंने इलाज लिया, तो किस तरीके से? क्या आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी को हमने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, जैसे CGHS होता है ऐसे RGHS है, उसमें हमने रजिस्टर किया। कॉमन मैन की तरह हमने उनको ट्रीट किया, कॉमन मैन की तरह उनका एंजियोप्लास्टी किया। जैसी एंजियोग्राफी CT एंजियो हुआ, हम उनको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए ले गए। आज उनको ICU में, ही इज़ वन ऑफ द पेशेंट्स, बाकी दूसरे 20 पेशेंट हैं। तो हर डॉक्टर को इतना गर्व महसूस होता है कि वो अपना ट्रीटमेंट एक आम नागरिक की तरह कराते हैं, विद अटमोस्ट फेथ इन डॉक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हमेशा यही कहते हैं कि मुझे बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ये, और कॉमन मैन की तरह ट्रीटमेंट चाहिए। तो हमने देखा कि जिस तरीके से सुधीर भंडारी जी ने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ आए, एक कॉमन मैन की तरह, एक आम नागरिक की तरह उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। RGHS जो कि राजस्थान हेल्थ सर्विसेज है, उसके अंतर्गत उनका इलाज किया गया। एक आम नागरिक की तरह वो हैं, ICU में भी दूसरे पेशेंट्स के साथ उनको भर्ती किया गया है, उनके साथ वो हैं। उनके लिए कोई विशेष अलग से इंतजाम ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई विशेष इंतजाम के तौर पर मुख्यमंत्री अपना इलाज नहीं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ गौरव, MKN News, जयपुर।